गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैंने आज आपके साथ शेयर किया है ये मेकअप लुक। ये बहुत इजी क्यूजी सा मेकअप लुक है। मैं कहीं जा रही थी बाहर, तो मैं रेडी हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बीच में एक छोटी सी वीडियो भी बना ली जाए मेकअप की, जो कि आप लोगों के लिए भी मे बी हेल्पफुल रहेगी। बहुत कम टाइम में, बहुत कम प्रोडक्ट के साथ मैं रेडी हुई हूँ। एक नॉर्मल सी मैंने एक पॉइंटल करी है और बहुत सिंपल वे में रेडी हुई हूँ। मे बी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे, आपको पसंद आए। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छे लगते तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ में बेल आइकन है, उसे ज़रूर हिट कीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मैं देख लेते हैं कि मैंने कैसे रेडी हुई हूँ और कितना टाइम लगा है और कितना इसमें प्रोडक्ट लगे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं जहाँ जाऊँगी वहाँ का मैं ब्लॉग भी ज़रूर शूट करूँगी और आपके साथ वो ज़रूर शेयर करूँगी, तो प्लीज़ उसे भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है गुड वाइब्स का रोज़ वाटर। ये मैं अच्छे से स्प्रे कर लूँगी फेस पे। आपको मैं हमेशा कहती हूँ, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, अपना स्किन केयर ज़रूर करें, मेकअप से पहले भी और छोटा सा मेकअप के बाद भी। उसके बाद मैंने लिया अभी मेरी रिसेंटली फेवरेट गुड वाइब्स की मल्टी विटामिन क्रीम। गाइज, ये रियल में बहुत ऑसम क्रीम है। इतना अच्छा रिजल्ट है, इतना अच्छा ग्लो आता है। एक्चुअल में इसमें मल्टी विटामिन है, आपकी स्किन में जो प्रॉब्लम होंगी उसे ये ठीक करेगा धीरे धीरे करके, एक ग्लो प्रोवाइड करेगा आपको नेचुरली। ये बहुत अच्छी क्रीम है। ये मैंने थोड़ी सी हाथों पे भी लगाई थी, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। उसके बाद मैं लूँगी पर्पल का फेस प्राइमर। थोड़ा थोड़ा लेके मैं पूरे फेस पर लगा लूँगी, जहाँ जहाँ ओपन पोर्स होते हैं। ये मेरे ओपन पोर्स को अच्छे से ब्लर आउट करेगा, अच्छे से फिल कर देगा उसे, ताकि मैं जो भी फाउंडेशन या सीसी क्रीम वगैरह जो भी लगाते हैं वो अच्छे से स्प्रेड हो जाए। और उसके बाद मैंने ली है लैक्मे की 925 सीसी क्रीम। मैंने फाउंडेशन अप्लाई नहीं किया था, एक्चुअल में मेरे को डे टाइम में जाना था बट जाते जाते हमें शाम ही हो गई थी। बट ये क्रीम बहुत अच्छी है रियल में, इसका ग्लो बहुत अच्छा आता है। जब लगाओ तो थोड़ी वाइटनिंग इफेक्ट देती है, बट उसके बाद जब ये फेस पे सेट हो जाती है तो इतना अच्छा ग्लो प्रोवाइड करती है। ऐसे एकदम नेचुरल ग्लो लगता है फेस पे, ब्राइटनिंग सी लगती है फेस पे और ग्लो बहुत अच्छा आता है। मैं कंसीलर नहीं लगाऊंगी, कंसीलर की जगह भी मैं यही लगाऊंगी थोड़ी सी लेके मैं अपनी अंडर आई में, और आई को इसी से सेट करूंगी अच्छे से। मेरे को डार्क सर्कल की प्रॉब्लम नहीं है, तो ये पूरा कंसीलर का काम करेगी। ये मैं एक स्पंज की हेल्प से डैब डैब करके इसे अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी। उसके बाद मैं अपना जो भी मेरा बेस है, लाइट बेस है, उसे मैं मेबलिन के कॉम्पैक्ट के साथ सेट करूँगी। सर्दियों में ज़्यादा कॉम्पैक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं थोड़ा थोड़ा लेके ही हल्का सा एक आधी हाथ ही लगाऊँगी ब्रश की हेल्प से। उसके बाद मैंने ली है मेरी ऑल टाइम फेवरेट मिलानी की आईब्रो किट। मैं अपनी नेचुरल आईब्रो शेप में आईब्रो फिल कर लूँगी एक ब्रश की हेल्प से। उसके बाद मैंने लिया है लैक्मे का आई शेडो पैलेट। इसमें से मैं दो शेड लूँगी, एक ब्राउन शेड और एक पिंक शेड। ये मैं अपने आउटर वी पे लगाऊँगी इसे ब्राउन शेड को। मैं ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे से स्मच कर लूँगी, दोनों साइड लगा लूँगी ब्रश की साइड से अपने आउटर वी पर। उसके बाद मैंने पिंक शेड लिया है और मैं इनर साइड से आउटर पर ले जाते हुए हल्का पिंक शेड लगाऊंगी। दोनों कलर मिक्स होकर बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत प्यारा शेड बना था। बहुत लाइट सा ही मेकअप था, हल्का सा ये डार्क हो गया था आई शेडो, लेकिन बट मैंने ना इसे कॉम्पैक्ट की हेल्प से थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लेके एक ब्रश में उसे सेट कर लिया था। जो भी मतलब फैला फैला सा था या जो थोड़ा सा डार्क हो गया था तो वो सेट हो गया था, बहुत प्यारा लग रहा था, हल्का सा मेकअप था बिल्कुल। ये मैं आई शेडो के ऊपर से भी क्लीन कर लूँगी। कहीं भी कुछ ज़्यादा कम हो जाए आपसे तो आप कॉम्पैक्ट लेके ब्रश में, किसी भी ब्रश में, आई शेडो में हुआ है तो आप आई शेडो ब्रश में लेके उसे, क्लीन ब्रश में लेके उसे साफ़ कर सकते हो अच्छे से, बहुत फिनिशिंग आ जाती है। या फेस पे कुछ लगा रहे हो, कुछ ज़्यादा हो गया है, तो आप जिसे फाउंडेशन लगाते हो वो यूज़ कर सकते हो, ब्रश या ब्लेंडर, तो उसे सही आ जाता है। उसके बाद मैंने लिया है ब्लू हेवन का, मैंने लिया था लाइनर, और मैंने फेसेस कनाडा का लिया था काजल।
उसके बाद मैंने लिया है मेबलिन का कलोसल वाला मश्कारा। गाइस ये मश्कारा बहुत ऑसम है, बहुत अच्छा मस्कारा है, और इसे 2 से 3 कोट लगाए थे मैंने, 2 कोट लगाए थे आई थिंक, 3 भी नहीं लगाए थे, बहुत ज़्यादा हाई नहीं कर, मैंने बहुत ज़्यादा हैवी नहीं दिया था अपनी आईलैशेस को, और उसी से मैंने अपनी आईब्रो भी सेट कर ली। कभी आप मैं को जब टाइम मिल अच्छा सा लगता है तो मैं क्या करती हूँ, उसी के ब्रश से ना अपनी आईब्रो सेट कर लेती हूँ। जैसे आप आईब्रो सेट करोगे इससे वैसे ही सेट रहेगी, बिल्कुल आईब्रो नहीं हिलेगी, कभी आप ज़रूर ट्राई करना है। उसके बाद मैं वही ब्राउन शेड लूँगी और कंटूरिंग करूँगी हल्की हल्की सी। आप देख सकते हैं मैंने एक आई शेडो पैलेट में से कितना मैंने ब्राउनजिंग करी, आई शेडो यूज़ किया, इसमें से मैं ब्लश भी अप्लाई करूँगी और इसमें से मैं हाइलाइटर भी लगाऊंगी। कोई जब भी आप वो लेते हो, आई शेडो लेते हो और आपको ज़्यादा सामान नहीं लेना, तो आई शेडो में कुछ कलर ऐसे होते हैं जो आपके 3-4 चीज़ों में काम आ जाते हैं मेकअप के टाइम पे। आपके पास ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं है, आपने कहीं जाना है और आप ज़्यादा कैरी नहीं कर सकते हो सामान, तो कुछ ऐसी चीज़ें रख लो जो एक चीज़ आपको कई काम आ जाए। इसी में से मैंने ब्लश लिया है 2 शेड मिक्स करके, मैं ब्लश के लिए भी यही अप्लाई करूँगी। थोड़ा सा ब्लश ज़्यादा हो गया था बट मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से इसे अच्छे से इस पर लगा दिया था, तो जितना भी एक्स्ट्रा था वो उसने सोक कर लिया था बिल्कुल। और ना ऐसे करने से ना अगर थोड़ा ज़्यादा भी ब्लश लग जाए ना, आप ऐसे स्पंज मारेंगे या आप जिससे आप ब्रश मारेंगे कॉम्पैक्ट वाला, उससे भी क्या होता है ये एकदम ना ऐसा नेचुरल हो जाता है स्किन में, इतने अच्छे से वो हो जाता है, ऊपर दिखता नहीं है बहुत ज़्यादा, बहुत लाइट लाइट सा दिखता है। उसके बाद मैंने हाइलाइटर के लिए एक शेड था इसके अंदर, ब्राउनजी सा हल्का सा शेड था, शिमर था उसमें, मैंने वही ले लिया था। और ये मैंने कॉम्पैक्ट वाले ब्रश की, जिससे मैंने कॉम्पैक्ट लगाया था उसकी हेल्प से उसे अच्छे से और स्मच कर लिया है, ताकि एकदम से बहुत ज़्यादा ऑड ना लगे, एकदम बहुत शाइनी शाइनी सा, बहुत हल्का शाइनी शाइनी सा था और बहुत एकदम नेचुरल लग रहा था। उसके बाद मैंने ली है NYP का लिप लाइनर। ये शेड गाइस रियल में बहुत अच्छा है, पिंक शेड था बट मेरा ये लिप लाइनिंग मैं फिल कर रही थी तो ये थोड़ा सा आगे से टूट भी गया था तो मैं इससे फिल कर लूँगी लिप्स को। और उसके ऊपर मैंने मेबलिन का एक लिपस्टिक का कोड लगाया था, इसका मेरे को शेड नंबर याद नहीं है बट मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे डाल दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं।